नायर जी, क्या माहौल लग रहा है इस बार राजस्थान का? माहौल अब के बार बीजेपी का है। बीजेपी बहुत अच्छी है, इसमें हम दबंग बन के रहते हैं, इसमें हम दबंग बन के रहते हैं। दबंग कांग्रेस में हम ऐसे हो जाएंगे, जाएंगे? कांग्रेस में पूंछ नीचे हो जाएगा, अब मुंह चुप पर रहेगा बीजेपी में। एक जगह से राहुल गांधी गुजर रहे थे, वहाँ हरी मिर्च रखी हुई थी और लाल मिर्च, और हरी मिर्च का रेट पूछा तो 10 रुपए किलो और लाल का पूछा तो 70 रुपए किलो। कहता अब लाल मिर्च क्यों नहीं बोते? उसे ये पता नहीं कि हरी मिर्च पहले होंगी जब ही लाल होंगी। उसको ये पता नहीं चने किस पेड़ में लगते हैं, जमीन के अंदर उगते हैं या ऊपर आते हैं चने के पेड़ में। बीजेपी पसंद है। क्या नाम है? हरबंस सिंह। महंत बालक नाथ को विजय बनाए भारी मतों से। और हाँ जी सरदार जी, क्या माहौल लग रहा है इस बार राजस्थान का? माहौल अब के बार बीजेपी का है। आपने बीजेपी का पटका पहना इसलिए तारीफ कर रहे हैं आपास भाई? नहीं, हम शुरू से ही बीजेपी के। क्यों है? बीजेपी बहुत अच्छी है, इसमें हम दबंग बन के रहते हैं, इसमें हम दबंग बन के रहते हैं। दबंग कांग्रेस में हम ऐसे हो जाएंगे, जाएंगे? कांग्रेस में पूंछ नीचे हो जाएगा, अब मुंह चुप पर रहेगा बीजेपी में। हाँ, बीजेपी को लाने में फायदा है। मैं नरेंद्र मोदी बैठा है, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, सब बहन भाइयों को साथ लेके चलो, चाहे हिंदू मुसलमान है कोई भी है, सबका साथ सबका। मोदी ने विकास किया है, बहुत विकास किया है, पूरे विश्व में उसका डंका बजा हुआ है। 152 देश के चेयरमैन प्रधान चुने हुए हैं, दूसरे देश भी उसको चाहते हैं कि मोदी हमें दे दो, मोदी हमें दे दो, हम मोदी को नहीं देंगे। वो एक संत महात्मा के रूप में है, वो संत महात्मा के रूप में है जो इस हमारे देश के भविष्य के लिए आए, हमारे देश को बहुत आगे ले जाएगा, बहुत गति पर। कांग्रेस कह रही है भाजपा ने और यहाँ तक कि मोदी ने देश को बेचा है। नहीं बेचा नहीं, इसने देश को डंका बजा दिया है। पहले इसको अमेरिका वाले देते ही नहीं थे जाने के लिए भी कुछ, जो भी क्या पासपोर्ट नहीं देते थे, वीजा नहीं देते थे। अब इसको बुलाते हैं, कंधे से लगा लेते हैं, आ जाओ जी, आओ आओ, पलकों पे उठा लेते हैं इसे सारे देश। अब नहीं आए 21। आपने राहुल गांधी का बयान देखा है? देखा है। वो क्या कहा उन्होंने कल? आजकल में नहीं, उन्होंने कल ये कहा है, अगर मोदी जी क्रिकेट के मैदान में नहीं जाते तो वर्ल्ड कप जीत जाते, मोदी जी पनौती है पनौती। अच्छा, नहीं मोदी जी के लिए गलत बोला है। एक जगह से राहुल गांधी गुजर रहे थे, वहाँ हरी मिर्च रखी हुई थी और लाल मिर्च, और हरी मिर्च का रेट पूछा तो 10 रुपए किलो और लाल का पूछा तो 70 रुपए किलो। कहता अब लाल मिर्च क्यों नहीं बोते? उसे ये पता नहीं कि हरी मिर्च पहले होंगी जब ही लाल होंगी। उसको ये पता नहीं चने किस पेड़ में लगते हैं, जमीन के अंदर उगते हैं या ऊपर आते हैं चने के पेड़ में, उसको कोई मालूम नहीं है। वो तो कह रहे मैं देश का भविष्य हूँ, युवा हूँ, युवा। वो युवा नहीं है, वो फिरोज गांधी का पोता है, मुसलमान का, जो इसने इंदिरा गांधी ने कोर्ट मैरिज किया था। तो बहुत पोल खोल रहे हैं। इंदिरा गांधी ने कोर्ट मैरिज किया था तो फिरोज गांधी, फिरोज खान था, फिरोज गांधी बना गया, ये उसके लड़के हैं। और इसके करेक्टर खराब थे इंदिरा गांधी के, संजय गांधी मना करता था कि आउट रास्ते पे माता मत जाओ, जब वो नहीं माना तो उसको एक बूढ़े सरदार हवाई जहाज के ड्राइवर को 20 लाख दे के गादर संजय गांधी को, इसलिए था इसने, वो अपनी माँ से खिलाफ था संजय गांधी। ये सच्चाई है। इसके करेक्टर खराब थे, इसका नाक कटा हुआ है, सर्जरी होके प्लास्टिक का लगा हुआ है, ये नकटी है इंदिरा गांधी। लेकिन राजस्थान की जनता के दिल में क्या है इस बार? राजस्थान की जनता के दिल में आपके बीजेपी है, बीजेपी लाओ देश को आगे बढ़ाओ, बीजेपी लाओ कांग्रेस को भगाओ। हाँ, कांग्रेस भगाएंगे। गहलोत तो साढ़े को बोलना नहीं आता, ओ गच गच करता, पता नहीं जुबान टूटा जैसे जा लप्पू सा गहलोत है, बोलो अब आना है, तू तू करके बोले वा, उसको बोलना ही नहीं आता, पता नहीं क्या तू चढ़ाता है क्या करता है, सही बोल ही नहीं पाता। 5 साल कैसे निकाले उन्होंने? निकाल दिए हेरा फेरी से, ये हेरा फेरी तो है ही कांग्रेस में पहले से। अब राजस्थान का एक भी इंटरव्यू ना हमारी समझ में नहीं आया, एक भी इंटरव्यू उसने, जितने इंटरव्यू उसके देखे ना हमने, उसकी एक भी बात आज तक हमारी समझ में नहीं आया, उसने बोलना क्या है, एक भी बात बस बस और अच्छा जी धन्यवाद। ये गहलोत जी ने इंटरव्यू दिए है ना, क्या मोदी जी ने एक भी इंटरव्यू दिया मीडिया को? दिया नहीं दिया ना, आप उसको भूल रहे हो।
उसको भूल रहे हो, गहलोत को याद है ना आपको, इसने जो काम करे वो नहीं दिखते आप। गहलोत ने क्या किया है? आपने पिछले मुझे ये बता दीजिए, जब वसुंधरा राजे की सरकार थी उन्होंने क्या करा था, क्या करा था जब और कुछ ना करो गहलोत ने तिजारा के लोगों को ये मौका मिल रहा है कि सब तो चुनेंगे विधायक और हम चुनेंगे मुख्यमंत्री। इतने ये मौका जो है सबको नहीं मिलता, तिजारा को अभी तक तो मिला नहीं है, पहली बार ये मौका मिल रहा है, तो मुख्यमंत्री को हमें चुनना ही है, हमारे पास दूसरा कोई उपाय भी नहीं है। गहलोत नहीं है? नहीं, गहलोत से कोई सरोकार नहीं है, सारे लोग जानते हैं भाई, उससे हाथ जोड़ के तो गहलोत का यहाँ क्या काम है? है वो, उसको तो वैसे भी बुढ़ा हो लिया। बुढ़ा तो उसका बेटा ही नहीं है, बेटे के खिलाफ उसने स्टेटमेंट दिया नहीं दिया, फिर और कह रहा है गहलोत का बुढ़ा तो मोदी भी हो गया। नहीं मोदी, अरे क्या बात कर रहे हो, मोदी से रेस, आप अगर रेस लगाना चाहते हो मोदी जी से लगाना, छप्पन इंच की छाती वाला बुढ़ा कैसा हो जाएगा? डायलॉग देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। यहाँ तो शेर वाले ज्यादा इकट्ठे, शेर ही है, सारे ही शेर हैं। राहुल गांधी कौन है? नहीं जानता कौन है राहुल गांधी। एक 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 सुनिए, पप्पू है राहुल गांधी कौन है जी? आपको परिवार का आखिरी बुझता हुआ सितारा। इससे भाई कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने, लेकिन वही राहुल गांधी आज क्या कह रहे हैं पता है आपको? मोदी के लिए, मोदी पनौती हैं, अगर वो मैदान में नहीं जाते वर्ल्ड कप आ जाता भाई। पनौती की सुन दी, पनौती तो बना दी, पांचों कैंडिडेट पनौती कितने शब्द हैं, हैं? इंदिरा गांधी भी उसमें आ रही है, मैं आपको दिखला दो पनौती, दिखला दो, अभी दिखलाता हूँ, एक सेकंड डेकोरेट कर लो। पनौती का जो है प्रियंका में पी से शुरू होता है, राहुल में दूसरे नंबर पे आता है, पी ए, एन एन में नेहरू आता है, नेहरू आगे क्या है, ए फिर आएगा उसमें, राजीव गांधी में ए आएगा और उसके बाद टी नहीं है ना, टी यो क्या नाम उसका यार, वो मुरादाबाद वाला है, वो वाड्रा रॉबर्ट में टी आएगा और आई है क्या, आई रह गया इंदिरा गांधी में, इंदिरा गांधी, इंदिरा, पनौती पूरा हो गया, ओ में मोदी भी आता है। मेरे पास सुनो, सारे परिवार ने मिलके पनौती पूरी कर दी। मुझे बताइए, एक मिनट सुनिए, क्या देश के लिए, सुन लीजिए भाई, आप बात करते नहीं बोलते ज्यादा हैं, आप मुझे बताइए देश के लिए पनौती राहुल गांधी हैं या मोदी हैं? राहुल गांधी हैं भाई, मोदी हैं, मोदी जी सारी दुनिया में डंका बजा रहे देश का, डंका बजा रहे बिल्कुल बजा रहे जी, वो बिल्कुल है, लेकिन आपको उसका पीछे का नहीं दिख रहा कुछ भी, क्या आप उसके पीछे, अभी मैं इसकी बात बताता हूं, सारा बैकग्राउंड छोड़ो, मोदी छोड़ो, आप यहाँ की राजस्थान सरकार, राहुल गांधी पनौती है, कांग्रेस राजस्थान की, मोदी पनौती है, आप उसको छोड़िए, आप राहुल इधर बात कर रहे हो ना, राजस्थान सितारा ऑटोमेटिकली पनौती है भाई, हमने तो बता दिया उसमें क्या रह गया। सोना मोदी जी की हिम्मत है, जिन्होंने चंद्रयान के फेल होने पे भी वैज्ञानिकों को शाबाशी दी थी, पीठ थपथपाई और वर्ल्ड कप हारने के बाद भी साथ पूरी टीम की पीठ थपथपाई, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। दूसरी बात जो है, जब पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक करी रात के टाइम पे, ये किसी प्रधानमंत्री में कोई दम नहीं होता, सारी जिम्मेदारी, अगर आर्मी दूसरे देश में जाके फंस जाए हमारी, तो वहाँ पे 10 आदमी 10 जवान हमारे जाए, जितने भी गए थे 50 जवान गए थे लगभग, पीएम की थी और पीएम के साथ साथ पूरी सरकार जाने वाली थी, अगर ऐसा हो जाता तो ये रिस्क उठाना इतना बड़ा, 56 इंच का, उसी का काम है। आप बताओ किसी और प्रधानमंत्री में, आपने मनमोहन सिंह का राज भी देख लिया, राहुल गांधी को बना के तो देखो,
राहुल गांधी को, अरे उनके तो आप तैयार है क्या? आप तैयार है राहुल गांधी? बताओ आप जवाब दो पहले। मुझे एक बात बताओ भाई, उनके उनके दादा परदादा सारे देख तो लिया आपने, देख लिया। अब उसमें कुछ बच रहा है क्या? कच्ची रोट रहेगा। कुछ बच रहा है क्या? मैंने बताया ना बुझता हुआ सितारा है, फिर आप क्यों मुझे बनाने की बात करते हो? कोई गुंजाइश है ही नहीं। अरे आपके पास अगर चांस, आपके पास चांस नहीं है क्या? है नहीं क्या? उससे अगर उसके अलावा नहीं हो फिर तो सोचो, आपके पास 140 करोड़ लोग हैं और उसके 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 अपोजिशन, मेरी बात पूरी होने, 140 करोड़ लोग हैं, लेकिन दूसरे नंबर पे आपके योगी जी तैयार हैं। तैयार योगी आदित्यनाथ तैयार हैं। जिंदाबाद। इसके इससे बढ़िया भी अगर आपको कोई है, डिक्लेयर्ड योगी जी मोदी जी के बाद डिक्लेयर्ड हैं, गहलोत तैयार हैं। नहीं इससे योगी योगी जी से बढ़िया कोई है तो बता। ट्रेनिंग के लिए भेज दिए बालकनाथ, ट्रेनिंग के लिए भेज। अशोक गहलोत की एक टांग तो कब्र में पता ना कब लुढ़क जाए, वो कब बनेगा यहाँ का के प्रधानमंत्री बना। देखो देखो सिद्धि जी बात है, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत जी की राजनीति आपने देख ली है भाई। एक सेकंड, अगर यहाँ की बात करो, भिवाड़ी को जिला बना रहे थे, बनाते बनाते क्या रह गया? सब कुछ हटा लिया वहाँ से, कुछ नहीं छोटा। अब वहाँ पे पानी भर रहा है, रोड बंद हो रखी है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अच्छा अब उनके पास एक काम करा लो भाई, मौलवियों को तनख्वाह दे लेंगे और उसके अलावा 50-50 लाख रुपए किसको दे दिए? वो एक्सीडेंट में कोई दुर्घटना में मर गया तो उसको 50 लाख दे दिए। बीजेपी के सांसद तो अलवर से ये बालकनाथ जी रहते, उन्होंने क्या करा वहाँ की व्यवस्था भाई? उन्होंने अभी सबके सामने डिक्लेयर की ना बातें, दो विश्वविद्यालय अपना अपना। अगर एक सेकंड में आप एक सुन लो, मेरी बात सुन लो, अगर नेशनल हाईवे से जो भिवाड़ी को रोड नेशनल हाईवे से जो भिवाड़ी को रोड जोड़ रहा है, अगर वो नहीं बना होता तो आज भिवाड़ी को, भिवाड़ी से हरियाणा में जाने की जगह ही नहीं थी आपके पास, सस्ता नहीं था आपके पास। सांसद मुझे भाई आखिरी सवाल बता दीजिए, इस बार राजस्थान को गहलोत चाहिए क्या? नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। इस बार राजस्थान को मोदी चाहिए? बिल्कुल। योगी चाहिए? बिल्कुल। बाबा बालकनाथ चाहिए? बिल्कुल। ये अलवर की जनता है, इसके दिल में क्या है परिणाम बताएगा 3 तारीख के बाद में। धन्यवाद।